यूके एसएससी पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट में एक बार फिर बुलडोजर चला है। यहां बुलडोजर चलने से हाकम गैंग में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी हाकम सिंह के रिजॉर्ट को ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। हाकम सिंह की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक भवन के ध्वस्तीकरण के बाद आज राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर बने हाकम सिंह के अन्य 3 भवनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल ने बताया कि भवन सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं, जिन्हें खाली करने के आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए थे। आज जब प्रशासन हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने पहुंचा तो गांव के कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि रिजॉर्ट सहित 3 भवन राजस्व भूमि पर चिन्हित किए गए हैं, जिनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखो, जो अतिक्रमण के संबंध में हम लोग आप पहले ही हम रिपोर्ट कर चुके हैं आप लोगों को, और अभी वर्तमान में वहाँ कार्रवाई चल रही है। जो अभी आज 3 के भवन है, एक भवन को तोड़ा जा चुका है और बाकी हमारी टीम वहाँ मौके पर है और वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बताया जा रहा है मुझे कि अभी गाँव वालों को चल रहा है उसमें। सर कब तक कार्रवाई नहीं, उसको तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना भी हमें अतिक्रमण हटाना हम लोग उसको तत्काल हटवाएंगे।